नमस्कार, मैं हूं अभिषेक त्यागी। विश्व कप शुरू होने से पहले ही कई टीमों को बड़ा झटका लगा है। 30 मई से शुरू हो रहे क्रिकेट के इस महासंग्राम से पहले टीमों को बुरी खबर मिलनी शुरू हो गई है। विश्व कप में हिस्सा ले रही कई टीमों के खिलाड़ी चोटिल हो गए हैं। सबसे बड़ा झटका मेजबान इंग्लैंड को ही लगा है। इंग्लैंड के कप्तान मॉर्गन चोटिल हो गए हैं। प्रैक्टिस करते हुए मॉर्गन के बाएं हाथ की उंगली में चोट लग गई है। तो वहीं दूसरा झटका भारत को धवन के रूप में लग सकता है। धवन को भी प्रैक्टिस के दौरान एक गेंद हेलमेट पर जाकर लगी, जिसकी वजह से उनके होठों से हल्का खून निकल आया, जिसके बाद धवन नेट से बाहर चले गए। तीसरा झटका भी भारत को ही विजय शंकर के रूप में लग सकता है। शंकर को भी प्रैक्टिस के दौरान एक गेंद उनके कंधे में जाकर लगी, जिसकी वजह से विजय शंकर का कंधा चोटिल हो गया। तो वहीं एक झटका हाल ही में पाकिस्तान को मात देने वाली टीम अफगानिस्तान को लगा है। अफगानिस्तान के विकेट कीपर बल्लेबाज मोहम्मद शहजाद भी प्रैक्टिस करने के दौरान घायल हो गए। पाकिस्तान के खिलाफ मैच के दौरान शहजाद की मांसपेशियां भी खिंच गई थी, तब भी शहजाद मैदान छोड़कर चले गए थे। एक झटका श्रीलंका टीम को भी लगा है। साउथ अफ्रीका के खिलाफ अभ्यास मैच के दौरान श्रीलंका के अविष्का चोटिल हो गए और उन्हें मैदान छोड़कर जाना पड़ा। आपको बता दें कि अभी विश्व कप में शुरू होने में कुछ ही दिन बचे हैं, लेकिन अगर इस तरह टीमों के खिलाड़ी घायल होते रहेंगे तो ये सभी टीमों के लिए चिंता की बात है।